نصفى الله على محمد وعلى محمد سلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق يجمعين فاطر السماوات والعرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولث علينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين والعنة على دائهم اجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد

वसीयत के साथ आज की गुफगू का मौज़ आफत एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसको हम अपनी ज़िंदगी में बोलते तो हैं और उसके मानो मफो से भी जजवी तौर पर आशना हैं लेकिन उसके क्या क्या मुतरदफ़ात हैं और किन किन माना में इस्तेमाल होता है और किस किस चीज़ के लिए क्या क्या शयाफ़त बनती है इस सिलसिले में गुफगु है ताकि हम अपने आप को तमाम आफात से बचा सकें लफ्ज़ आफत कुरान मजीद में बयान ही नहीं आया लेकिन रिवायतों में बहुत आया इसलिए ज़्यादातर गुफ्तू रिवायतों के ज़ैल में होगी लेकिन आफत एक लफ्ज़ ऐसा है कि जो तीनों ज़बानों में उर्दू अरबी और फ़ारसी तीनों में एक साथ बोला गया। अस लफ्ज़ अरबी का है लेकिन फारसी में भी इसे बोला जाता है और उर्दू में भी इसे बोला जाता है थोड़ा सा फ़र्क़ है क्योंकि महल इस्तेमाल जब इसका बदल जाता है तो उसके एतबार से उसके मवारद और उसके साथ साथ उसका मफहम थोड़ा सा अलग होता है यहाँ लफ्ज़ आफत जो हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं वासेब बला बीमारी ज्यान यानि नुकसान सदमा यानी किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुँचना फितना मुसीबत के माना में आता है यहाँ पर बला के माना में भी है जैसे आप खत्मा किया यानी इम्तहान के माना में भी है और शुर्ण ने इसे कसरत से उर्दू में भी इस्तेमाल किया इसलिए उर्दू शहरों में भी इस्तेमाल हुआ है उनमें से चंद शेर आपकी खदमत में इस बिना पर ताकि एहसास रहे कि लफ्ज़ अरबी का सही लेकिन उर्दू और फारसी में भी बोला जाता है कहते हैं उम्र अहल तमन्ना किस आफत में बसर की उम्र अहल तमन्ना किस आफत में बसर की थी शाम की उम्मीद उम्मीद शहर की ये यहाँ पर भी उन्होंने इस लफ्ज़ को आफत में इस्तेमाल किया है कि उम्र अहल तमन्ना ने किस आफत में बसर की थी शाम की उम्मीद न उम्मीद शहर की और दूसरे जो शहर में इसी तरह कहते हैं फ़ुर्सत नहीं तंग भी कहीं इस तरह आपको और क्या आफत आ गई मेरे इस दिल की को यहाँ पर भी आफत दिल से मत, जो है वो मुतसल किया गया है और एक और शहर के वादा करके और भी आफत में डाला आपने वादा करके और भी आफत में डाला आपने ज़िंदगी मुश्किल थी अब मरना भी मुश्किल हो गया तो ये उर्दो अशार में भी इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ आफत और इसके अंग्रेज़ी में बहुत सारे मीनिंग्स हैं ताकि पहले आपके जहन में मीनिंग बैठ जाए ताकि जब ये रिवायतों में इस्तेमाल हो तो आप इसको सही तौर पर समझ सकें मकसद ये कि ये जो लफ्ज़ हमारे पास है और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको दूँ कि आज कल जो सबसे ज़्यादा एक आफत आई हुई उसे कोरोना कहते हैं ये भी एक आफत है आफत इस मारा में कि या तो ये इम्तहान है या इंसान के लिए ज्या और नुकसान का सबब है या किसी न किसी का अफेक्ट्स है जो इंसान को परेशान कर रहा है और आफत और आफियत ये दो लफ्ज़ अलग हैं मुतरदफ़ नहीं है ये अपोज़िट हैं एक दूसरे के आफियत वो ज़माना है जब इंसान सुकून आसाइश से रहे आफत वो ज़माना है जब इंसान भला और मुसीबत में गिरफ्तार हो तो हम दुआ करते हैं खुदा आप सबको आफियत में रखे और आफत से दूर रखे लेकिन आफत रवायतों में इस्तेमाल हुआ है मोला कानात एक हदीस है बहुत खूबसूरत जिसको आप खदत में पेश करूँगा और तमाम मासूम के हदीसें ज़्यादातर मौल कानात और रसुलकरम से हदीसें हैं कि जिसमें लफ्ज़ आफत हर चीज़ के लिए एक अलग आफत होती है हर चीज़ के लिए एक अलग जो है वह ख़तर है ख़तरा है या इम्तहान है डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पर जो आफत है वो जो सबसे संप सिंपल माना में इस्तेमाल हुआ डिफ़िकल्टी है वरना डिज़ास्टर के माना में भी, भी आफत इस्तेमाल होता है मिसचीप अनफॉर्चुनेट अनहेपीनेस या क्लैमिटी के माना में भी इस्तेमाल होता है तो ये तमाम आफत के जो है वो मुख्तलफ मफहूम हैं कि जो हमारे अंग्रेज़ी ज़बान में भी इस्तेमाल होते हैं क़ुर मजीद में, में अर्ज़ के लफ्ज़ आफत बी नहीं आया है लेकिन उसके दूसरे मुतरदफात दूसरे उसके जो है वो मीनिंग आए हैं जो आफत से काफ़ी मिलते हैं उनमें से एक यही सुर असर का आगाज़ है बसमीम वलरसानलफी खसर बेश बेश इंसान ख़सारे में है तो ये इंसान का खसारे में होना इस बात की दलील है कि यहाँ पर आफत से जो है इसे खसर खुसरान ये भी एक कस्म का नुकसान भी आफत ही है कि जो इंसान के हर एक अलग शोब ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है तो आसेब लफ्ज़ फ़ारसी में इस्तेमाल करते हैं आसेब यानी किसी चीज़ को नुकसान पहुँचना तो आफत का लफ्ज़ एक जो है इस्तेमाल होता है बच्चे जब बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो हमारे यहाँ ख़ास करके लखनऊ में ये बोला जाता है कि क्या आफत आ गई है यानी क्यों शोर कर रहे हो क्या मुसीबत आ गई कि इस वजह से ये शोर मचाया जा रहा है तो लफ्ज़ आफत एक कॉमन लफ्ज़ लेकिन अब आप जो सुनेंगे वो आपको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट लगेगा क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत सिंपल है लेकिन जो मासूमिन ने जो इस्तेमाल किया कि किस चीज़ के लिए क्या आफत होती है हम समझते हैं आफत सिर्फ यही है कि जो जबा फैली हुई आफत है लेकिन नहीं इसके अलावा भी आफतें हैं जो दुनिया में हमारे चारों तरफ हैं और हमारे लाजिम ममलूम हैं हमसे दूर नहीं हो सकती हम उसमें घिरे हुए हैं और उससे बचने के लिए हमें तदबीर करना है कोशिश करना है ताकि हम उन आफतों से बच सकें तो उस आफत के लफ्ज़ को आपके खदमत में सही मफहूम पहुँचाने के लिए अदीस का सहारा लिया जाएगा ताकि हम अदीस के जरिए इससे समझ सकें और इसके मानो मफहम को अपने जहन में रखकर बताएँ यहाँ सबसे पहली दलील में मोाय मतियान की एक हदीस है उस हदीस को अपने जहन में रखें जो गसन को जो वसीतें कि उसमें भी है या जो ख़त लिखा उसमें वो कहते हैं कि मौलुतान के कहते हैं गरज असकामे व खलीफिलहमूमें व करीन व नसुबिल आफात ये नसुबल आफात लफ्ज़ इसमें आया हदीस में जो मौलाना तवील जो है गुफ्तू किए उसका एक हिस्सा है कहते इंसान की ये कैफियत इंसान मुलाजिम है यानी इससे जुदा नहीं हो सकता उसके लिए लाजि मज़ूम है इन हालात में रहना ये कैफियत से गुजरना उसमें क्या है कहते हैं गरअसल इस्काम ये गरअसल असकाम यानी इंसान देखिए है ये बहुत लफ्ज़ देखिए मौलाना इस्मान के नेहचुलबलावा खालि हैं जैसे जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना माना मानवामफ़ूम होता है कितना ज़्यादा उसमें मौला जो है वो इम्पोर्टेंट जो है लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं जिससे माना मफहो क़्यामत तक जो है वाज रहे कहते हैं गरअसल इसम कहते हैं इंसान जो है वो बीमारियों के तीर का निशाना है बीमारियाँ तीर है इंसान निशाना है यानी तीर चल रहे हैं उसकी तरफ बीमारियों कभी भी लग सकते हैं तो ये बहुत है गरअसल इसम ये टारगेट है यानी बीमारियों का टारगेट है इंसान बीमारियों ने उसे अपना टारगेट बना रखा है और लाजमी है कि आप देखें कोरोना से फैलाओ ये बीमारी का टारगेट टारगेट है कोई भी बीमारी उसको टारगेट करती रहती है कभी तीर टारगेट पर लगता है कभी नहीं लगता है तो ये गरसल इस्काम का है हलीफिल हमूम हलीफ कहते हैं कि इन कसम उठाना या एक कस्म का वादा कर लेना यानी गमों ने इंसान से वादा कर रखा है कि हम तुम्हारे पास आएंगे और उससे जो है अहदोपैमान ले रखा है कि हम गम गुस्सा इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा हम गम इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे इससे जुदाई नहीं है कि वो अपना वादा खिलाफ ही नहीं करते तो करीन लहजान हुज्न उसके जो है करीन है यानी गम उसके साथ साथ ही रहता है किस ना किसी न किसी शय का ग़म इंसान को रहता है और जिसको कोई गम ना हो उसको गम ना होने का भी गम होता है तो ये गम क्या जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि करीन अल अलहज़ान का है यानी हुज्न उसके करीन उसके कार बराबर उसके साथ साथ ही रहता है हम नशीन अंदोह हम नशीन है उसका यानी गम उसके साथ रहता है और मैंने अर्ज़ किया कि इसके दलील में बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन जो हमारे गुफ्तु का मौजू है जिसमें मौलाना इस लफ्ज़ को यूज़ किया है आफत को कहते हैं नसुबल आफात यानी नसब ये देखिए नसुब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसको मैं आपको बहुत आसान करके सुनाऊँ तो आपके जहन में बात मेरी बैठ जाए जो हमारे निसाब लफ्ज़ से बना। निसाब कहते हैं आपका सेलेबस और वो भी है, वो सिलेबस जो कंपलसरी हो जिसमें आपको चॉइस न दी जाए कुछ में कुछ सिलेबस में चॉइस होती है कि ये पढ़े या ना पढ़े कुछ जो है वो आपके लिए मैंडेटरी होते हैं यानी ज़रूरी होते हैं तो यहाँ पर नसुबुल आफात के आफत ने आपके निसाब में दाखिला रखा यानी आफत आपके निसाब ज़िंदगी के निसाब में शामिल है यानी ज़िंदगी हो और आफत ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है ये इमाम का जो है वो ज़ाहिर तौर पर मफहूम है जो समझ में आता है कि नसुब्ल आफात के ने आफत और आसेब जो है इंसान के लिए लाजिम मलजूम हैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं उससे जुदाई मुमकिन नहीं है तो ये इमाम की सबसे पहली हदीस जो इमाम ने फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी में आफत साथ, साथ है उससे जुदा नहीं हो सकता अब ये लफ्ज़ हमारे पास आफत हम आफत नॉर्मली जिस माना में इस्तेमाल करते हैं वो और हैं और अब जो आपकी खदमत में पेश कर रहा हूँ वो यूनिक चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है तकरीबा सात आठ हदीसें हैं जिसमें एक में मौलाए मुतकियान और एक में रसूल अक्रम ने किस शेय के लिए क्या चीज़ आफत होती है उसे बयान किया अगर लफ्ज़ आफत को आप समझ गए जो मैंने आपके खिदमत में बहुत ही वाजह करके बयान कर दिया ताकि जब ये लफ्ज़ आपके जहन में होगा तो मैं वही लफ्ज़ यूज़ करूँगा तो आपको आसानी होगी समझने में और आप इससे जो है वो लुत्फ लेंगे क्या इसमें हमें बचना कैसे तो अब देखिए यहाँ पर तकरीबन ये सात आठ चीज़ें रसूल की एक हदीस में आई है इस हदीस को पहले सुने और फिर एक एक चीज़ के मैं आपको खिदमत में एनालाइज करता हूं ताकि आपके काम आए कहते हैं आफतुल आफतरफ़ असलफ़ो व आफतुलशजात बगा व आफतुलसमाहत मनो व आफतुलजमाल व आफतुलबादत फ़रत व आफतुलहददीस किज़ब व आफतल नसीानो व आफतुल्लम सफ़त व आफतुल्हसब फ़ फ आफतुलजू सरफ़ ये देखिए इमाम रसुल अक्रम ने यह तकरीबन सात या आठ आफात जो हैं वो बयान किए हैं अब मैं एक एक की आपकी खदमत में तशरी करता हूँ ताकि आपने जहन में रखें ताकि ये कितनी जगह लफ् आफत इस्तेमाल किया और किस चीज़ चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ आफत है है ना ये आपको समझ में आए तो क्योंकि आफत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लेकिन हर शे हर चीज़ के लिए आफत नहीं होती और जब कोई शे किसी चीज़ के लिए आफत बनती है तो उससे कैसे बचा जाए इसको भी अपने जहन में रखना है या कम से कम आफत को डायग्नोज करके उससे अपने लिए जो है वो शेल्टर या पनाह ढूँढने की कोशिश करना है कहते हैं आफतुल ज़रफ़े असलफो कहते हैं ज़ीरक़ी इंसान बहुत स्मार्ट है तो स्मार्टनेस की आफत क्या है स्मार्टनेस के लिए क्या चीज़ मुसीबत है स्मार्टनेस के लिए को क्या चीज़ जो है नुकसान पहुँचाती है तो और आफतर की गुरूर। कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है तो मतकबर हो जाता है ये गुरूर उसे आगे सीखने से रोक देता है वो समझता है मैं कामिल हो गया मुझे किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है और जब वो इस गुरूर में आ जाता है वहीं ठोकर खाता है उसकी स्मार्टनेस उसको नुकसान पहुंचा देती है तो अगर इंसान स्मार्ट है तो कभी भी मतकबेर न हो आफत आफतरफ़ अ हो सलफ़ है। कहते हैं ये इंसान का गुरूर कहते हैं ज़िर की जो आफत है वो गुरूर है इंसान बहुत स्मार्ट है तो कभी भी तकबर न करे वरना उसकी इस्मार्टनेस को ये तकबर खा जाएगा इसको ज़रूर पहुँचाएगा नुकसान पहुँचाएगा जैसे करोना इंसान को नुकसान पहुँचाता अब आपको आफत के मीनिंग समझ में आएंगे अगर मैं बार बार आपकी खदमत अर्ज़ करूंगा, इसको ज़ोर से सुने समझें एक एक चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो मैं आपको गुफ्त कर रहा हूँ ये काफ़ी मेहनत की गई इसके लिए उम्मीद है कि आपको इन काम आएगी आपकी ज़िंदगी में से उतारेंगे कि हर चीज़ के लिए अलग आफत होती है तो हमें हर चीज़ के लिए अलग आफत तो इसका मतलब बहुत सी चीज़ें जिससे हमें चौकन्ना रहना है समझदारी के साथ उससे बर्ताव करना है ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें बचा सकें अस में मकसद ये कि हम सहल देखें कि अल्लाह ने हमें सलाहियतें क्या दी हैं और इन तमाम तो सलाहियतों पोटेंशियल के लिए आफत क्या है मुसीबत और बला क्या है उसके लिए महारज़ इम्तहान में कब आते हैं ताकि हम उसको ज़रा समझ सकें ये आफत है उसके तो लिए बहुत से मिसालें हैं ताकि बड़े बड़े ज़रीफ़ यानी बहुत ज़्यादा जो है स्मार्ट लोग जो हैं वो अपने तकबर की वजह से मारे गए तो ये बहुत इस तकबर समझने के लिए यही तरीक़ा है कि इंसान अपनी ज़रक़ी को दूसरों की जीरकी से मैच करता रहे यानी जो दूसरे स्मार्ट लोग हैं उनके साथ रहे उनसे बात करता रहे उनसे समझता रहे उनके एडवाइस लेता रहे ताकि अपनी ज़ैरकी को परखे भी और साथ साथ उसे कभी तकबर ना आए यहाँ आफत क्योंकि जो इंसान बहुत बहादुर है तो फिर वो बगावत करता है फिर वो क्या होता है वो तजावज़ करता है फिर वो जुल्म करने लगता है तो शुजात जो है वो प्रोटेक्शन के लिए आई है जुल्म करने के लिए नहीं आई है यही है दुनिया के बहुत बहादुरों में मौलाए कायनात में फ़र्क अज़ा नगामी मौलाए कायन की शुजात और है और लोगों की शुजात और है और उसकी दलील में जो बेहतरीन वाक़ मिलता है वो ये कि जब जंग सिफीन में मालिक अशतर ने कहा कि मौला मैंने जो है वो आज बहुत ज़्यादा कदर किए आपसे ज़्यादा कदर किए तो मौलाना ने बताया तुम्हारी तलवार सरों पे चलती है मेरी तलवार सुलबों को देख कर चलती है अगर में एक भी मोमिन आने वाला हो तो मेरी तलवार उसके सर को नहीं काटती ये रहम मौला है ये बसरत मौला है तो शुजात बगावत में न बदले ये ज़रूर है इंसान पास ताकत हो तो किसी पर म न करे अगर इंसान के पास ताकत है और म्म करता है तो ये उसकी शुजात के लिए ताकत के लिए आफत है यानी करोना है ये आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अपने जहन में रखें कि ये आप बहुत सी चीज़ें आपके जहन में चलती हैं तो उससे अगर इंसान अगर चाहे जरा सा इस्ता कर ले तो ईज़ी रहता है समझना किसी बात के लिए और वो आपके खुदा इस बीमारी से आप सबको महफूज रखे अपने आप को प्रोटेक्ट करें अब यहाँ पर आफतुलसमहातल मनो कहते हैं बख्शिश करना किसी को देना किसी के लिए कोई खैर करना किसी को कोई मदद पहुँचाना इसके लिए क्या आफत है तो उसके लिए कहते हैं इसकी लियाफत किसी के ऊपर एहसान जताना है देकर एहसान जताने से इंसान का दिया हुआ बेकार हो जाता है उसके लिए आफत है उसके लिए यह कस्म की जो है बला है मुसीबत है कि इंसान ने किसी के साथ कुछ किया हो और करने के बाद एहसान जता दे उसको कह दे कि तुम्हारे पास जो शय है ये हमारी दी हुई है हम न देते तो तुम इसे हासिल नहीं कर सकते या बचते नहीं तुम्हें हम यहाँ लाए हमने ये किया ये किया तो ये सब चीज़ें बयान करना ये चीज़ें आपकी अता को ख़त्म कर देती हैं इसका मतलब आपने उसके लिए किया अल्लाह के लिए लेकिन अल्लाह के लिए किया तो जिसके लिए किया उसे जताते नहीं है लेकिन अगर किसी को आपने करके जता दिया तो इसका मफहूम यही है कि आपने अपने किए हुए पे पानी फेर दिया तो ये बहुत आफतमाहतमन हो ये रसूल फरमा रहे हैं कहते हैं कि इंसान की जो है वो अता की आफत यह है कि इंसान जता दे ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है अब फिर कहते हैं आफतुल आफतलजमाल खयलाओ ये माना का हाँ कि आफत जो है जमाल की यही है कि इंसान तकबुर करे किसी को ख़ुदा ने हसन दिया है खूबसूरती दी है इंसान को अच्छा जो है वो वजूद दिया है तो ऐसे में इंसान अपने जो है हसन व जमाल की वजह से मतकबर हो जाए उसके अंदर जो है वो तकबर आ जाए तो ये उसके लिए जमाल के लिए आफत है उसकी खूबसूरती के लिए आफत क्या है इंसान का मतकबर होना है इसके लिए मैं आपको कल साहिद साहब की बहुत खूबसूरत बात जी आते थे बहुत मरतबा पास ठहरते थे बैठते थे बहुत देर बातें करते थे खुदा को सेहत व सलामती दें इन शाला और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और याद रखिएगा ये चीज़ वो कहते हैं मैंने आज तक किसी बदसूरत खान की तलाश नहीं पढ़ाई हमेशा खूबसूरत खातूनों ही की तलाक़ पढ़ाई है अब ये देखिए कितना बड़ा जुमला उन्होंने कह दिया है इसके अंदर सारा के सारा इस लफ्ज़ का जो रसुल बताया है वो मफू है, वो क्या है कि खोयला वो कहते हैं कि इंसान की ज़िबाई खूबसूरती उसकी जो है अच्छी जो है सूरत की आफत यह है कि इंसान मतकबर हो जाए यानी तकबर करने लगे अपने ही ख्याल अपने ही जो है वो में रमा रहे अपने ही वजूद को जो है वो देखता रहे उसी की जो है तरफ रागिब रहे अपने अतराफ़ को भूल जाए उसकी ज़िम्मेदारी को भूल जाए और उसका नतीजा ये होता है कि रिश्ता इंसान का हसन जमाल से नहीं अखलाक से बनता है और जब अखलाक बुरा हो जाए तो फिर इंसान का रिश्ता बाकी नहीं रहता तो जमाल अगर अल्लाह ने दिया है तो उसकी जो है वो जकात होती है जकात यही है कि इंसान उसकी वजह से लोगों के लिए खैर बने शर न बने तो ये बहुत आफतुल जमाल है खोल ये माम करते कि फरमान पता है आफत क्या हर चीज़ के लिए एक अलग आफत है हर चीज़ के लिए अलग है एक मुसीबत है एक जो है उसके आसेब और उसको नुकसान पहुँचाने का ज़रिया है तो किस चीज़ को क्या चीज़ नुकसान पहुँचाती है इसे इस जुमर में भी समझें ताकि आपके काम आए अब यहाँ पर आफतुल इबादत फ़तरतो कि इबादत की आफत सुस्ती है देखो हाँ मौलाना दूसरी चीज़ कहा है जब मौलाए कायन कहेंगे तो दूसरी आफत बयान करेंगे यहाँ रसूल बयान करें कि आफतुल इबादतों फ़तरतो इबादत की आफत यह है कि इंसान सुस्ती करे सुस्ती अगर करेगा तो उसकी इबादत का वक्त चला जाएगा उससे के हाथ से वो मौका निकल जाएगा फिर नहीं आएगा मुश्किल से आता है अब आप बताए ख़ुदा नास्ता किसी ने अगर चेहरे तेईस जो है और रमज़ान की रात में अगर चे इबादत नहीं की है तो एक साल के बाद मिलेगी फ़ौर तो नहीं मिलती तो इबादत सुस्ती का ज़रिए सो गया नहीं की इबादत सुस्ती तो उसकी इबादत, तो इबादत, तो इबादत के लिए नुक़सानदेह यानी फिर मौका इबादत अगर हाथ से चला गया तो फिर वो उसे दोबारा नहीं ला सकता जल्दी फिर उसकी सुस्ती की वजह से इबादत ज़ाय हो जाती है तो सुस्ती में बहुत से माना है यानी तवज्जो न करना अपनी इबादत की राह पर इबादत का अंजाम न देना जैसी इबादत अंजाम देनी चाहिए वैसी नहीं देना उसके लिए अलर्ट ना रहना तवज्जो न करना ये तमाम चीज़ें इबादत के लिए आफत बनती हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत आफत और आसेप से मसून रहे बची रहे तो उसके लिए हमें अलर्ट रहना है सुस्ती नहीं दिखानी है सुस्ती आई और इबादत गई उसके बाद कहते हैं आफतुल्हदीश से किस वो कहते हैं बयान की कोई जो आज बात कह रहे हैं इस बात की आफत झूठ है जब भी इंसान कोई बात कर झूठ बोले तो लगा लगा। बात करना बेकार है अलावा किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है बोलने वाले के लिए नुकसान है सुनने वाले के लिए नुकसान है बोलने वाले के इसके लिए कि क़्यामत में उसका मुआज़जा होगा सुनने वाले के नुकसान ऐसे कि कोई को फ़ायदा नहीं मिलेगा उसे इस बात को सुनने का तो ये दोनों के लिए आसेब है दोनों के लिए आफत है दोनों के लिए मुसीबत है दोनों के लिए नुकसान का सब है आफतुल आफतुलहदीसे तज्बो और रसूल का है कि तमाम तर चीज़ों तमाम बुराइयों को अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसकी चाबी झूठ है अगर एक हो जाए तो सारी बुराइयाँ अपने आप ही कैद हो जाएंगी फिर बाहर ही नहीं आएँगी इंसान के जहन में दिमाग में दिल में जो भी एक कस्म की जो है वो कैफियत है अगर उसमें कुछ बुरी कैफियतें तो उससे ताला होठों ने लगा रखा है अगर ये ज़बान से ज़ाहिर न हो तो इंसान तक जो है ये बुराई ना पहुँचे तो इसका ये भी इमाम का आफतुल हदीस किस वो कहते हैं आफतुल इल्म निस्यान अब आपको तो आसानी समझ आएगा बच्चे खास करके सुने और ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कहते हैं आफतुल इल्म निस्यान कहते हैं कि इल्म की आफत ये भूल जाना है इल्म की आफत क्या है इल्म के लिए मुसीबत क्या है इल्म के लिए नुकसानदेह चीज़ क्या है भूल जाना बच्चे ने सबक याद किया भूल गया अब यहाँ तो नहीं है सोटी बहरहाल जिनको याद है वो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे कि इसीलिए कि इंसान भूल ना जाए तो उसके बदन पर लिख दिया जाता था ताकि वो अगर अपनी कॉपी में या दिमाग में लिखना भूल गया है तो टीचर उस लकड़ी से उसके बदन पे लिख देते थे कि देखो तो अलिफ ज़बर आ होता है इसको याद रखना जिस एग्जांपल के तौर तो पर तो इससे क्या इंसान को याद रहता क्या नहीं ये एक बार में उसे अगर याद नहीं हो रहा है दिमाग में नहीं लिख पा रहा है तो टीचर जो है दिमाग में लिखने के लिए बदन का सहारा लेते थे आज ये ज़माना नहीं है और नहीं ये चीज़ बाहर शायस्ता भी है और हम कभी करते भी नहीं हैं और मुझे मुनासिब भी नहीं लेकिन बहरहाल बच्चों को खुद सोचना चाहिए कि अगर उन्हें इल्म हासिल किया और भूल गए तो ये आफत है अरा आफतुल तो निसी के लिए आफत इल्म के लिए परेशानी इल्म के लिए भला इल्म के लिए, लिए नुक़सान दशे भूल जाना इंसान रात भर मेहनत करे पढ़े और सुबह इम्तान में बैठे भूल जाए और कम नंबर लाए तो ये उसकी तमाम मेहनत पर पानी फेर देता है उसके प्रोग्रेस को रोक देता है तो इम के लिए आफत निसी है और रसूल का फरमान कि इंसान इल्म को दो ही तरीके से अपने पास रख सकता है या तो अमल में ढाल ले या लिख ले इसके अलावा इल्म एक वहशी दरिंदा है अगर आपने खुला छोड़ दिया तो भाग जाएगा उसे बांध के रखना पड़ता है और दो ही तरीके से बांध सकता है एक इंसान बांधने का उसका तरीक़ा ये कि उसे अमल में बांध ले या इंसान कलम से बांध ले अलावा उसके वो बनता नहीं है आफ तो में कहते हैं हिल्म इंसान की बुर्दबारी की जो है वो आफत ये है कि इंसान अपने आप को कोसरी सुबुक कर ले इंसान बुर्दबार हो किसी ने अगर उसके साथ बुरा बिहेव किया है तो इंसान को माफ़ करना चाहिए अच्छी तरह से उसके साथ पेश आना चाहिए लेकिन ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वो सफा मतलब इस्तेमाल किया है यानी इंसान फिर बेहिस हो जाए बेहिस होना इस्लाम में अच्छा नहीं है उससे गलत काम करने वालों को ज़रूरत मिलती है तो दोनों चीज़ में बैलेंस होना चाहिए इसलिए आफत में न डाल दे इंसान हिल बुद्वार बहुत अच्छा है किसी की गलती पर उसे माफ़ कर देना बहुत अच्छा है और ये अच्छी लेकिन उस वक्त कि जब वो ग़लती करने वाला पशमान हो अपनी ग़लती पर रिग्रेट कर रहा हो आपसे वो सही होने के लिए जो है वो आमादा हो लेकिन वो ग़लती पर अगर इंसान ग़लती कर रहा है तो ऐसे के अंदर इंसान को जो है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए ये भी आफतुल हिल में सफ हो कहते हैं बुरदबारी की जो है आफत सबुक सबुक सरी है यानी इंसान का जो है वो कमज़ोर हो जाना है वक्त पर जो है उसका सही जवाब मिलना आफतुल हसब फ़ख्र हो फरमाते हैं कि हसब और नसब का इंसान का अच्छे जो है वो ख़ानदान का होना अच्छी बात है लेकिन इस पर इंसान फख फरोशी करे ये उसके लिए आफत है और उसका सबब मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोग माशा बड़े ख़ानदानों से होते हैं लेकिन उनके ख़ानदान से बड़ा होना इस बात की दलील लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली है उनके पास रिस्पॉसबिलटी ज़्यादा है तो उनको उसकी वजह से आगे बढ़ाना चाहिए उसे आगे जाना चाहिए लेकिन उसके वजह से ये नहीं है कि इंसान उस पर फ़्र करे क्योंकि लोग उसके पर आपको दूसरी तरफ से एग्ज़ाम्पल दूँ ताकि आपके काम आए कि किसी के पेरेंट्स मिले ना रहें और बेटे को बहुत दे के गए और अपने बाप की दौलत पे फ़्र करे तो लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते वो सक तुम्हारा कमाया हुआ क्या है तो हसब अल्लाह का अता करता है लाजमी तौर पर इस पर फख्र होना चाहिए अच्छी चीज़ है लेकिन इससे इंसान फ़ख्र फरोशी ना करे यानी वहाँ ना रुक जाए आगे अपनी ज़िंदगी में खैर बरकत लाने से ये शेय माने ना हो ये ना समझे कि हम बस कंप्लीट हैं अब हमें और आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है वहाँ पर ये चीज़ उसके लिए आसेब और मुसीबत का सबब बनती है अगर अच्छा ख़ानदान है अच्छा हसब है अच्छा नसब है तो इंसान को उससे इस्तादा करके और ज़्यादा तरक्याँ हासिल करना चाहिए उस वहीं ठहर ना जाए कि ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी है और वहाँ पर उसके आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाए आखिरी चीज़ कहते हैं आफतुलजूद सर कहते हैं सखा किसी को माल और दौलत देने का जो है वो आफत यह है कि इंसान उसमें इसराफ करे इसराफ भी जो है वो सखा के लिए आफत है इंसान जो है वो सखावत में इसराफ जायज़ नहीं है नेकियों में इसराफ जायज़ नकियाँ एक अलग चीज़ है वो आप फ़िज़िकली करते हैं लेकिन जब और दौलत की बात आती है तो वहाँ पर इसराफ़ का लफ इस्तेमाल होता है यानी हजब ज़रूरत इंसान जो है वो उसे इस्तेमाल करे ज़रूर से ज़्यादा इस्तेमाल इंसान के लिए मुश्किल का सबब बन जाता है यहाँ एक और हदीस अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम की महमद वाल मोहम्मद क्या आफतन हवा दीन के लिए क्या आफत है तो दीन के लिए जो बला दीन के लिए जो मुसीबत दीन के लिए जो करोना है दीन के लिए जो परेशानी का सबब है वो क्या है हवाए नफ्स है इंसान की ख्वाहिशात दीन को बर्बाद कर देती हैं इसके लिए दलील देखें ताकि आपके जहन में मेरी बात बहुत आसान इस बैठ जाएगी आसमानी जितनी किताबें अलावा कुरान के जो मसून हैं क्योंकि अहिल बैत को दिया जो हवाए नफ्स पर काबू रखते थे उन्होंने कभी भी वो नहीं किया जो वो चाहते थे वही किया जो खुदा चाहता था इसलिए कुरान भी बाकी रहा उसका मफहम भी बाकी रहा लेकिन बाबक अम्बिया अब के जितने भी आए बाद में उन लोगों ने क्या किया कि अपनी आने वाली किताबों को हवाए नफ्स की वजह से बदल दिया किताबें मनसूख कर दी गईं आज वो काम नहीं आती है यानी अल्लाह का काम भी अगर बंदे को दिया जाए उसमें हवाए नफ्स शामिल हो जाए तो वो बेकार हो जाता है अगर अल्लाह का अता करदा वैसा ही रहे जैसा अल्लाह ने बताया है तो काम आता है उसमें एक कुरान की मिसाल है क्योंकि जिनको दिया वह हवाए नफ्स से बाल तर थे उन्होंने कभी भी अपने नफ्स की पैरवी नहीं की इसीलिए दीन भी बाकी रहा और कुरान भी बाकी रहा लेकिन माँ सबकम्बिया की जितनी किताबें थी सब बदल दी गई कि हवाए नफ्स अगर हम भी ऐसा नगरामी आज अपनी ज़िंदगी में दीन रखते हैं और हवाए नफ्स साथ आ जाएगी तो दीन फिर हमारे काम नहीं आएगा इंसान को अपनी नफसानी ख्वाहिशात को दीन पर गालिब नहीं आने देना चाहिए बल्कि दिन को नफसानी ख्वाहात के महार करने में काम में लेना चाहिए ये बहुत बड़ी चीज़ है इनशाला मैं दूसरे खुदा में फिर इसी जो है वह हदीस का दूसरा पहलू है यानी मौल कायन ने भी इन्हीं चंद चीज़ों को उसमें से दूसरी चीज़ों को भी बयान किया है और उसमें थोड़े से लफ्ज़ को बदला है तो वो भी अर्ज़ करता हूँ कि ये लकल शाह आफतन व आफतमिन यहाँ से इमाम ने शुरू किया है कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई आफत ज़रूरी है इमाम का एक बड़ा पैगाम है तो इन दूसरे खुद में अर्ज़ करता हूँ कि ये आफत क्या है आफत से मैंने आपको आशना किया है और यहाँ पर बहुत सारी आफतें कि जिनसे हमें चौकन्ना रहना है समझना है अंडरस्टैंड करना है और अपने आप को नाफतों से बचाना है अल्लम सल्मा महम्दिन वाल महमदा महम्दिन वाल महमद बसमीमल रुकनसादा व रिसान ज़ारा व्लबन ख़ाशा व बदनम साबिर विलमन नाफ़िका वमल मतकबला व रस्कन वास्तव वन सामाले तजवास्तव में पाकमा कामिलत फ़रमा परेशान दूर फरमा दे हमारी तौफीकात में इज़ाफा फ़रमा हमारे बुजुर्ग हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ महफूज़ रख हमें इस वक्त दुनिया से उठा तक हमारे गुनाहों पर फ़लम में फैल दे जहाँ के भीशिया नेदर रहे हैं उनकी जान माल ताबुर की हफाजत फरमा पाने वाले हमारे बच्चों से उनको कामयाबी रत फरमा जो अच्छे रिश्तों के अजलास में रिश्तों से बहर फरमा पाने वाइस करते तमाम इंसानों को बचा ले जुना बीमार मखस जिन्होंने दुआ के लिखा है उन तमाम अमन को जल्द शफाए कामिलता फरमा हाँ बीमार सबको शफाय कामिल आज रत फ़रमा पाने वाले डॉक्टर बास

हमारे गुनाहों को बख्श दे नसमिन महमद के वाले पलते रहें हमें तमाम आफतो बलियात से महफूज़ रख जो भी आफतें बलाएँ रो तो सरगमलाय कायन ने बयान किए पाने वाले उन सब से महफूज रहने की तोफ़ी नायत फरमा हमारे इमाम जमाना को हम राज खुशनूद रख हमारे इमाम ज़माना के जुख्म ताजी लता फरमा हमको उनके अनुसार आवाम में करार दें बिसमनिमसल्लाफत वरायतनासादलो नफीदिन फवाजा فسبح بحمد ربك واستغفره <سطقفرخ> إنه كان توابا اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

हम सल महमद वाल महमदा अल अली इब्न अबी तब अल्ला हम सलिल महमद वाल महमदला सलाम अला फ़ातमत ज़हरा सलाम्ल्ला हम सल महमद वाल महमद असलाम हसन अब्न अली اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على حسين ابن علي اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على ابن الحسين اللهم صل على محمد و محمد الصلاة والسلام على محمد ابن علي اللهم صل على महम्मद वाल महमद असलातलम अला जाफर मोहम्मद महमद अल्लाम सल महमद वाल अला मूसा इब्न जाफर अल्ला सल महमद वाल महमदला सलाम अल अलीबन मूस रवा हम सल महमद वाल मोहम्मद

अल्लाहुम्मा सल अला महमद वाल महमद जिनके जहर से दुनिया साहब से भर जाएगी तो और ख़त्म हो जाएंगे ज़हर के लिए दुआ गोएं हजार तब मैंने आप खदमत में जिस लफ्ज़ की तश्री की वो हदीसों में आया है बड़ी अहम लफ्ज़ है आफत और आज के इस दौर में जब हम एक आफत को डील कर रहे हैं हमें दूसरी आफतों से भी डील करना आना चाहिए क्योंकि एक आफत से इंसान बस बच जाए दूसरी आफत में फंस जाए तो भी इंसान के लिए आफत ही आफत है तो लफ्ज़ आफत आफियत से अपोज़िट है खुदा आपको हमेशा आफियत में रखे आफत में ना डाले लेकिन जो मैंने मौलाना कायनात की हदीस बयान की कि इंसान के, के निसाब में नसबल आफत लिख माम फरमाया कि इंसान का नसबुल यानी इंसान की ज़िंदगी का लाजिम मलजूम है कि वह इम्तहान में डाला जाए उसके लिए कोई ना कोई ख़तरा उसके लिए कोई ना कोई चैलेंज हो कोई ना कोई इंसान के लिए नुकसान का सब शे बने ताकि वो अलर्ट रहे गाफिल ना हो जाए इंसान हमेशा अपने आप को ख़तरों से बचाता रहे और आज जिस तरह से हमने एक प्रैक्टिस करके माशाल्लाह, अपने आप को और बहुत से लोगों को इस बीमारी से बचाया है हम जब तक डॉक्टर एडवाइस करते हैं इन शेमल करते रहें अपने आप को बचाएँ लोगों को बचाएँ या आफत से बचने का एक प्रोटेक्शन है सोशल डिस्टेंसिंग हो या अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो अपने जहाँ से किसी को कोई नुकसान पहुँच सकता है उस चीज़ को हम कवर कर देते हैं छुपा लेते हैं उससे अपने आप को और दूसरे को बचाते हैं तो ये प्रैक्टिस हमने एक मुद्दत तो की है तो इस प्रैक्टिस को ज़रा और दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए इन अदीस को भी अपने मद्द रखें कि रसुलकरम ने दस से ज़्यादा मैंने याफतें आप खदमत गनाई आइए इसी मफहम को मलायमान ने थोड़ा सा बदल के फिर पेश किया है उसमें बहुत सी आफात जो है वो बयान की हैं जो रसूल रसुलकर बयान की थी सिर्फ जो नई चीज़ें आप खुद में अर्ज़ करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे और आप उससे इस्ता करें और इंसान के लिए काम आएगी कि यहाँ मौला मौलाइशात फरमाते हैं कुल शे आफतन हर शे के लिए एक आफत है एक जो है वो ख़तरा है एक आजमाइश है एक चीज़ नुकसान पहुँचाने वाली है वह आफतुलसीान इल के लिए जो आफत है वो भूल जाना निशान है फरामोश कर देना है आफतलत रिया वहाँ पर जो रसूल बयान किया तो क्या था आफतुलबादत सुस्ती वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया था यानी इंसान की जो है इबादत के लिए आफत सुस्ती है सुस्ती करेगा इबादत का वक्त ज़ाय हो जाएगा इबादत का सवाब चला जाएगा वह वहाँ पर यहाँ जो मोला कायनते इस्तेमाल किया है लफ्ज़ बदल दिया है आफत लबादत रिया दिखावा जब इबादत में आ जाए इबादत ज़ाय हो जाती है बेकार हो जाती है उसका सवाब उसे नहीं मिलता उसका वक्त सारा के सारा राय बेकार चला जाता है ये मौला का फरमान है लाजमी दोनों का मफहम सही है दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा लेकिन एक से ज़्यादा है, इसलिए दोनों ने मौलान ने अपनी जो है वो उसी इल्म से जो रसूल से लिया या अल्लाह ने जो नाता किया था हमें एक और जो है आफत से आगाह किया तो आफत वबादत रिया इंसान को हमेशा दिखावे से बचना चाहिए अगर इंसान अपनी इबादत में दिखावा करेगा जरा सा अमल भी उसका गैरुल्लह के लिए हो तो उसकी इबादत ज़ाय हो जाती है जैसे आप खुद आर्ज़ किया कि अगर इंसान का लिबास में एक बटन भी अगर गस्बी है तो नमाज के बातिल होने का इम्कान है बातिल हो जाती है और यहीं दूसरी तरफ इंसान की अगरचे इबादत अगर में थोड़ा सा भी रे आ जाए दिखावा जाए तो पूरी इबादत को ज़ाय कर देती है इसके लिए बहुत सी मिसालें दी हैं कहते हैं कि जिस तरह से आप ज़रा से ज़मीन से दूध को दही में बदल देते हैं एक ड्रॉप ही जहर का पूरे के पूरे जो है वो पानी को ख़राब कर देता है इसी तरह थोड़ा सा बिरिया पूरी इबादत को ज़ाय कर देता है यहाँ तीसरी चीज़ कहते हैं आफतुलब्ब उजब लुब अलबाब यानी वही इंसान का जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना इंसान के जो है तफक्कुर और इंसान के जो है वो बहुत ज़्यादा खिरतमंदलमंद होने की आफत क्या है इंसान उज्ब यानी इंसान जो है वो मतकबर हो जाए खुद पसंद हो जाए उजब में आ जाए वहाँ था तकबर यहाँ उजब है उज्ब तकबर में फ़र्क़ है यहाँ इमाम ने वहाँ पर भी जीर की थी वहाँ पर स्मार्टनेस थी लफ्ज़ दूसरा इस्तेमाल किया था रसूल ने मोलाई का नाते दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ आफतुलब्ब उजब कहते हैं इंसान की इस्मार्टस जी की बहुत ज़्यादा फहीम और अकलमंद होने की आफत ये कि इंसान उजब का शिकार हो जाए खुद पसंद हो जाए अपने आप ही को सब समझने लगे दूसरों से मशवरा ना करे दूसरों से जो है हिदायत न ले गाइडेंस ना ले तो फिर उसका जो अक्ल है वो लिमिटेड हो जाती है फिर आगे अक्ल बढ़ती है इल्म के बढ़ने से इल्म दूसरों से भी मिलता है अपनी जो है मुताले से मिलता है इंसान को अपने जो है वो ज़िंदगी के तजुर्बों से मिलता है तो ये सब चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में जारी सारी रहना चाहिए जिनसे तजुर्बा मिला है वो लाजमी है हमारे लिए काबिल एहतराम है तो उनका एहतराम होगा तो इंसान अब उजब का शिकार नहीं होगा अगर किब्रो कहते हैं इंसान नजीब वहाँ था इंसान की जो है वो नजाबत की वजह से इंसान क्या करता है कि अगर इंसान जो है वो नजीब हो गया है अच्छा उसका जो है वो हजसबो नस्बे तो फ़ख्र करेगा यहाँ पर जो इमाम ने फरमाया है कि आफतुलजो है नजापत किब्रो इंसान वहाँ फ़ख्र करता है यहाँ अगर बच्चे अच्छे ख़ानदान का है तो तकबर करने लगेगा कि मैं तो उस ख़ानदान का हूँ मेरा जो है वो ख़ानदान ऐसा है मेरे जो है वजदाद ऐसे हैं तो उस पर तकबर करेगा तो भी उसके ख़ानदान का उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आफतुलरफ़लफ़ो तो इंसान जो है वो यहाँ मामले फिर वो ज़रफ़ का है इंसान का बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना तो इंसान की जो है वो स्मार्टनेस की जो है वो गुरूर और तकबर है यहाँ मौलाना ने उसी चीज़ को लफ्ज़ किया है लेकिन दूसरे माना में इस्तेमाल किया कि इंसान का स्मार्ट होना उसे कभी मतकबर न बनाए आफतल जुदे सर्फ ये भी बयान ही इस्तेमाल किया इसमें इमाम ने चेंज नहीं किया है रसुल ही की हदीस को दोबारा बयान किया है कि इंसान जब भी सखावत करे उसमें इसराफ न करे आफतुल हयाएफ़ो इंसान का हया होना उसे कमज़ोर न बना दे हया इंसान किसी बात को कहने से शर्माता है डरता है बात को बयान नहीं करता वक्त पर किसी चीज़ को नहीं कहता तो इसकी वजह से उसमें ओफ़ कमज़ोरी ना आ जाए फिर वो बेहिस ना हो जाए आफतुल्हिल में ज़िल्लत हो कहते हैं इंसान बुधवार जब किसी कोई गलती की उसके सामने उसे माफ़ करने का ताकत रखे लेकिन ये ज़िल्लत खारी तक ना चली जाए इंसान को ह्यूमिलेट ना करे ऐसा ना बना दे कि फिर इंसान बहिस हो आफतुल खुल फ़हश हो कहते हैं कि इंसान जो है यहाँ पर और इमाम ने एक आफत बयान किए कि बुद्धवारी की आफत खारी और नीरुमंदी ताकत जो है इंसान को कहीं किसी पे जुल्म पे न उभा रहे ये आफतें जो रसूल बयान किए वहाँ पर अब यहाँ पर अली अलीब नबी तलब एक और आफत बयान करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आफत कहते हैं कुफरान कहते हैं इंसान ने जो नेमतें इंसान दिए उसकी नाशुक् करना भी एक आफत है यानी वहाँ जहाँ दिए वहाँ इस्तेमाल ना करें दूसरी के इस्तेमाल करे ये उसके लिए क़़ुरान नेमत है तो ये आफत है उसके लिए उसके लिए एक किस्म की बला है उसके लिए आसेब नुकसान का सबब है इसलिए अगर इंसान को अल्लाह ने नमत दिए तो उसे वहाँ लगाए जहाँ उससे लगाने का हुक्म दिया है ताकि उसकी वजह से खुदा और नमतें दे और ये नमतों का शुक्राना यही है कि इंसान उसे याद भी रखे खुदा की तरफ से समझे और वहाँ लगाए जहाँ ख़ुदा ने हुक्म दिया है इसलिए दुनिया में अल्लाह ने करोड़ों नमतें इंसान को दे रखी जिनका इंसान शुमार नहीं कर सकता उसका शुक्र अदा करता रहे और यह भी है कि नमत का क़ुरा ये कि इंसान उसका शुक्र अदा करना भूल जाए तो ये इंसान के लिए नियमत बन जाती है यह इंसान के लिए मुसीबत बन जाती है तो आफतुल नियम क़ुफ़रानों हो कि पासी इंसान का उसका शुक्र अदा ना करना नमत लेकर इंसान का भूल जाना अपने मुनिम को याद ना करना वहाँ न लगाना जहाँ लगाने के लिए कहा है उसका शुक्र अदा न करना यह उस नमत के लिए आफत है फिर और नमत लेने से अल्लाह उसे महरूम कर देता है आफतुलनबसे व लाए तो वित दुनिया कहते नफ्स की आफत क्या है नफ्स जो है वो की आफत ये कि वो दुनिया को देख कर उसका शेफ्ता हो जाए उसका फ़रेफ्त हो जाए उसी का होकर रह जाए दुनिया में गर्क हो जाए दुनिया उसके जो है अपने तमाम रंगरेलियों अपनी तमाम जो है वो चमक दमक से उसे फरेब दे दे तो ये इंसान के नफ्स के लिए आफत है यानी यहाँ इंसान की एक नफसान ख्वाहिश हवा दिन के लिए आफत थी लेकिन यहाँ नफ्स को क्या चीज़ जो है वो आफत में डालती है नुकसान पहुंचाती है उसको उकसाती है उसको जो है बहकाती है वो दुनिया की तमाम रानाइयाँ हैं दुनिया में चारों तरफ फैली हुई ये कैफियात हैं जो उसे अट्रैक्ट करती हैं और अल्लाह की तरफ से गाफिल कर देती हैं दीन की तरफ से गाफिल कर देती हैं ये नफ्स के लिए आफत है यहाँ क्योंकि वक्त नहीं मेरे पास इन शब्द हर एक चीज़ में एक डिटेल हर एक चीज़ में एक बड़ी जो है वह डिस्कशन का मौजू है यहाँ इमाम और फरमाते हैं कि आफतो दीन है सुय कहते हैं दीन के लिए आफत ये के सुय रखना सुज़न क्या है ये बहुत अलग से पूरा चैप्टर है सुयजन क्या होता है इस पर मैंने अब हम अर्ज़ किया है बहुत एक है भी मेरे पास प्रिपेर्ड जो है वो मेरा रिसर्च है कि जब इंसान सुजन करता है सुजन यानी किसी के बारे में बद बुरी फिक्र रखना कि मुझे नुकसान पहुँचाएगा मेरा दुश्मन है ये मुझसे जो है मेरा बुरा चाहता है ये फ़िक्र किसी के बारे में रखना दीन को तबाह कर देती है आफतन सुजन किसी पे सुजन बदगुमानी जो है वो इंसान के दीन के लिए आफत है क्योंकि इसी बदगुमानी से इंसान क्या होता है कि जैलस होता है हासिद होता है इंसान जो है वो दुश्मनी पैदा कर लेता है मोमिन का कीना उसके दिल में आ जाता है और अगर आपको मेरी गुफ्त को याद है तो मैंने अर्ज़ किया था कि शब कद उस इंसान को नहीं मिलती कि जिसके दिल में किसी मोमिन का कीना हो अब यहाँ कीना क्या चीज़ आती है कीना इंसान के दिल में यही स्वयज़न लेकर आता है इंसान दूसरे को अपना दुश्मन समझता है उसकी तरफ से बदगुमान हो जाता है जब बदगुमान हो जाता है तो इसका दीन तबाह हो जाता है और जिसका दीन तबाह हो जाता है उसकी आखरत तबाह हो जाती है इसीलिए बदगुमानी से इंसान बचे जब तक उसका प्रूफ ना हो किसी पे एलिगेशन ना लगाए किसी के ऊपर जो है वह इंसान जो है सुयज़न न करे वरना इंसान के लिए है अब यहाँ पर एक और आफत मौलानबनबी तालबान कहते हैं आफतुलमशावरत आरा कहते हैं कि जब इंसान मशवरा करता हो लोग बैठे हों सर जोड़ कर कि किसी मुश्किल का हल निकालें और वहाँ पर अपोज़िट राय हो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो लोग राय दे रहे हों तो इसमें यानी किसी काम को करने के लिए दो रास्ते हों लेकिन दोनों अपोज़िट हों तो ऐसे में क्या होता है कि मशवरे के लिए आफत है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसे चुने किसे छोड़ें वे लोग जो बाहर आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद मशवरा करते हैं मशवरा करने के बाद किसी सही रास्ते को चुनना चाहते हैं वहाँ पर अगर राय फिक्र जो है वो अपोजिट हो जाए तो ये मशवरे के लिए आफत है बड़ी मुश्किल है, उसको नुकसान पहुँचाती है लेकिन यहीं मशुरा करते जाए सब लोगों की राय एक हो तो आसान हो जाता है लेकिन जब राय बदल जाए लेकिन राय का मुख्तलिफ होना अच्छी बात है लेकिन उसके लिए झगड़ना बुरी बात है तो वह एक अलग मौजूद है लेकिन यहाँ इमाम का ये भी फरमाने कहते हैं आफतुलमलू सू सर के बादशाहों के लिए आफत ये कि बुरी सीरत को अपना लें तो उसके लिए बदरफ्तारी जो है उन बादशाहों के लिए आफत है हब्बुर रियासत उलमा के लिए आफत ये कि वो रियासत तलब हो जाएं वो मकाम व मनसब के लालची हो जाएं अगर उन्हें मक़ाम दौलत या जिस रियासत की जो है चाहे उन्हें लत पड़ गई तो फिर ये उनके लिए आफतें उनके लिए मुश्किल है उसके लिए दलीलें थी इन शास नहीं है लेकिन बस बात को ख़त्म करने के लिए कि यहाँ पर एक पैगाम आप खत्म दे दूँ तो आपके जहन में रहेगा जब अल्लाह ने जिन लोगों को रियासत दी उन लोगों ने अपने लिए पनाह तलब की है उनमें जनाब यूसुफ़ हैं कि जो अल्लाह से दुआ करें कि ए मेरे रब बेश ने मुझे सल्तनत अतः फरमाई है और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म से नवाजाए ए आसमान और ज़मीन के पैदा फरमाने वाले और दुनिया आखरत में मेरे वली और मेरे सरपरस्त मुझे हालत इस्लाम पर मौत देना और मुझे साले लोगों के साथ मिला दे ये यूसुफ़ की आयत नंबर एक सौ दस का तर्जुमा जब खत किया कि जब इंसान को रियासत मिल जाए हुकूमत मिल जाए पावर मिल जाए तो वो अगर उससे सही इस्तेमाल ना करे तो उसके लिए आफत बन जाता है यहाँ ख़ास करके करकेमा से जो है इसे तबीरत किया गया है मौलाम की जो हदीस है वो फरमात आफत हब हब्बा रियासत का का जो है वो हब दिल में उस देखिए रियासत मिलना अलग चीज़ नहीं किसी आलिम को माशाल्लाह ने कोई मनसब अता किया है उस मनसब पर रह कर वो दीन की खिदमत कर रहा है तो फब बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन उस मनसब को हासिल करने के लिए तकोदो करना कोशिश करना जोड़ तोड़ बिठाना ये इंसान के दिन को तबाह कर देता है उल्मा के लिए आफत है इससे खुदा पसंद नहीं करता हाँ खुदा ने दिया है और उसे इंसान इस्तेमाल करता है राय हक में तो इसका बहुत ही बेहतरीन जो है वह आउटकम है खुदा उसकी इज़ा देगा यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कि इंसान की ज़बान के लिए आफत क्या है फ़िक्र के लिए आफत क्या है बहुत तुलानी गुफ्तु थी लेकिन वक्त खत्म हो गया इन शुा आपको इससे इस्ता करने की तोफ़ी दें हमें तमाम आफतों बर आयात से बचाए अस ये गुफ्तु आपको आफत में डालने के लिए नहीं थी आफत से बचाने के लिए थी ताकि हम सब हर आफत से बचे रहें हमें पता रहे हमारे चारों तरफ कितनी आफतें हैं उन आफतों से हमें कैसे बचना है कौन सी चीज़ के लिए क्या चीज़ आफत होती है उसके बचने का तरीका मोहम्मद आल मोहम्मद ने क्या बताया है ताकि हम हर आफतो बलियातो आसेब व परेशानी से महफूज़ रहें खुदा आप सबको महफूज रखे हम सबको महफूज रखे ख़ास करके इस कोरोना बीमारी से भी एक आफत है ख़ुदा इससे बचाए इससे बचने का हमें तरीक़ा आया है हम उस तरीके को इस्तेमाल करें जब तक ये मौजूद है अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करते रहें इसी तरह दूसरी आफतें मौजूद हैं उनसे भी बचने की कोशिश करें ताकि अल्लाह हमें हर हालत में महफूज़ रखें दुनिया आखरत हमारी महफूज़ रहे महदिन वाल महमदिन महमद बिसमानसादान ज़ार वक़लबन ख़ाश आवो बदन सबर विलमन नाफिकाब अमलन मतकबला वरस्कन वास है वजो जतन साल है वरदन साल पाले वाले तो जवास्त बा शफाय कामिल अजरत तो पैशन परेशान को दुर् फरमा दे हमारे तो में इजाफ़ा फरमा हमारे बुजुर्ग साहब हमारे सर वाल के साथ महफूज रख हमें उस वक्त दुनिया से तक हमारे गुना पे अब कलम ने फेदे हमारे ज़माने के मामलों को हमसे राजी खुशनू रख पाने वाले जहाँ के भी शियाँ हैर्रार उनके जानों मालो जबरू की हिफाजत फरमा यूनात इस करोना के शिकार उनको शफाय कामिलत फ़रमा अब जो जुम्नात ने भी जो दुआ के लिए कहा है जो बीमार हैं उन सबको शफाय कामिल आजी लता फ़रमा हमारे माम जबान को हम सराज खुशनूत रख हमारे माम जबान के ज़ुम ताजी लत फ़र्मा हमको उनके अनसार आवान में करार दे हम सबको तमाम आफतुल्बिया से महफूज रख बसम इन् आते नकल का फसल रब कबन हर इ शान आका होल अब तर अल्लाम सल महमद वाल महमद اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد